भारतीय व्यंजनों में समोसे को एक अलग ही महत्व दिया जाता है। जब भी किसी को भूख लगती है और उसको बाहर का खाने का मन होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल समोसे का ही आता है। छुट्टी हो या पिकनिक, मेहमान आए हों या दोस्त, समोसे के स्वाद के बिना कोई भी पार्टी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर ये समोसा आया कहाँ से? वैसे ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि समोसा भारतीय है। आज हम आपको बताएंगे कि हर दिल अजीज समोसा कहाँ से आया और कैसे हमारे ज़िंदगी में ये रच बस गया। कहा जाता है कि भारत में फ्राइड फूड का अहम हिस्सा बन चुका समोसा ईरान से आया है। ईरान से भारत आया समोसा भारतीय स्वाद में घुल मिल गया। रेहड़ी और फुटपाथ से लेकर बड़े बड़े होटलों की दहलीज पर इतराने लगा। हर भारतीय घर के स्वाद में चटकारे मारने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल का अजीज पकवान बन गया। कहते हैं कि फारसी भाषा के संबो साग से निकला हुआ शब्द है समोसा। कुछ इतिहासकारों की माने तो गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में एक नमकीन पेस्टी परोसी जाती थी और इस पेस्टी को मीट, कीमा और सूखा मेवा भरकर बनाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भारत देश में 2000 साल पहले आया था ये समोसा, जब भारत में आर्य आए। ऐसा कहा जाता है कि आलू वाला शाकाहारी समोसा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनाया गया। यहाँ इसे इतना ज्यादा पसंद किया गया कि देखते ही देखते इसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और गली गली में पसंदीदा स्नैक्स के तौर पर बिकने लगा। समय के साथ मीट के समोसों का चलन लगभग खत्म हो गया और आलू का समोसा देश और विदेशों तक में प्रसिद्ध हो गया। आज बेशक समोसे को हम स्नैक्स के तौर पर खाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में ये खाने के तौर पर प्रयोग किया जाता था। तब मध्य पूर्व देशों के लोग काफी दूर दूर तक सफर करते समय इसे अपने साथ लेकर चलते थे। उस समय समोसे को तेल में फ्राई नहीं किया जाता था बल्कि आग पर सेंका जाता था। बंगाल में समोसे को सिंघाड़ा कहते हैं और इसके भीतर आलूओं को उबालने के बाद कुचल कर नहीं बल्कि काट कर व छौंक कर भरा जाता है। दक्षिण के औरंगाबाद में सामिस समोसे बनाए जाते हैं। राजधानी दिल्ली में एक रेस्तरा के भीम काय कीमे वाले समोसे मशहूर हैं, जो नाश्ते के लिए नहीं बल्कि दोपहर के खाने की सामग्री के रूप में परोसे जाते हैं। इनमें आमतौर पर ताजी हरी मटर भरी जाती है। आमतौर पर समोसे का आनंद गर्मा गर्म ही लिया जाता है, लेकिन इलाहाबाद के लोकनाथ इलाके के दाल की पीठी वाले समोसे घी में तलकर एक महीने तक रखे जा सकते हैं और ठंडे ही स्वादिष्ट लगते हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाजार में आलू चीज तथा मशरूम वाले सर्द जमे समोसे भी उतारे हैं, जिन्हें आप पैन ग्रिल या माइक्रोवेव करके खा सकते हैं। बहरहाल समोसे ने जो सफर धरती पर शुरू किया था वह अब हवाई जहाज की उड़ान भरने लगा है। थाई एयरलाइन की फर्स्ट क्लास की तस्तरी में इसे शामिल किया गया है और परोसा जाता। समोसे नमकीन ही नहीं मीठे भी होते हैं। इन मीठे समोसों में मावा व मेवा भरे होते हैं। कई लोग लवंग तलिका को ही मीठे समोसे मान बैठते हैं, जबकि ये लवंग तलिका से बहुत अलग होते हैं।